गाली करती है। हेलो स्टूडेंट, लेसन जो आपका चल रहा है सेल्फ स्टूडेंट क्लास 11 सेल्फ स्टूडेंट थोड़ा सा जो रह गया था उसका पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ से यही पढ़ना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, पढ़ चुका था। यहाँ है ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, यही है। केवल छोटा लड़का ही नहीं दौड़ कर भाग पाया और बाकी सभी लड़के जैसे ही जैन को देखा वो भाग गए। फॉर हिज आइज वेयर सो फुल ऑफ टीयर, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सभी बच्चे तो चढ़े हुए थे पेड़ों पर, पेड़ फूल गए थे। ये छोटा बच्चा था, ये चढ़ नहीं पाया था इसलिए पेड़ फूल नहीं पाया था। और उस कोने में अभी भी फ्रॉस्ट और विंटर था, वो रो रहा था। जैंट चुपचाप आया लेकिन फिर भी बच्चों ने देख लिया तो बाकी सारे बच्चे भाग गए, लेकिन ये छोटा लड़का देख नहीं पाया क्योंकि इसकी आंखों में आंसू भरे थे। दैट ही डिड नॉट सी द जैंट कमिंग, जिससे वह जैंट को आते हुए देख नहीं पाया। एंड द जैंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जैंट ने धीमे से जाकर पीछे से उसको उठा लिया। एंड took him gently in his hand, उसने उसे अपने हाथ में ले लिया। दाना है, उसके हाथ तो बड़े बड़े होते हैं, उसने उसके हाथ गद्दी में रख लिया अपने गद्दी में। एंड put him up into the tree, और उसे पेड़ पर रख दिया। यानी इतना बड़ा होता ही है दानों के हाथ में उठा करके और उसने पेड़ में ऊपर बैठा लिया। एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इंटू ब्लॉसम, और वह पेड़ तुरंत ही फूलों से भर गया। यानी जैसे ही बच्चा पेड़ पर बैठा और पेड़ फूलने लगा। एंड द बर्ड्स केम, चिड़ियाँ आ गई एंड सैंग ऑन इट, इस पर गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म, और छोटे उस बच्चे ने अपने दोनों बाहें फैलाई। एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और वह जेंट के गले से लटक गया। एंड किस्ड हिम एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा, और दूसरे बच्चों ने जब उसे देखा। दैट द जेंट वाज नॉट विकड एनी लॉन्गर, दूसरे बच्चों ने दूर से देखा कि ये दानव तो बच्चे को प्यार कर रहा है, मार नहीं रहा है, उसे कुछ कह भी नहीं रहा है, तो उनकी हिम्मत पड़ गई। केम रनिंग बैक, वापस दौड़ते हुए वापस आ गए। बच्चे दूसरे जो भाग गए थे डर करके, वो भी जब उन्होंने देखा कि दानव अब दुष्ट नहीं रहा तो वो वापस आए दौड़ते हुए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही स्प्रिंग आ गया। यानी जैसे ही बच्चे दौड़ते हुए बाग में आए और तुरंत ही बसंत ऋतु आ गई, पेड़ फूलने लगे, चिड़ियाँ गाने लगीं और बाग हरा भरा हो गया। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जेंट, जेंट ने कहा छोटे बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है, अब यह तुम्हारा गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक विशाल कुल्हाड़ी उठाई। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस दीवाल को गिरा दिया। जो दीवाल बनाई थी उसने बच्चों को रोकने के लिए, और ये लिखा था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि आने वालों का यहाँ प्रवेश करना मना है। उसने वो बोर्ड हटा दिया, दीवार गिरा दी और कहा बच्चों अब ये तुम्हारा गार्डन है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, 12 बजे जब लोग वहाँ से निकल रहे थे बाजार जाने के लिए, बाजार जा रहे थे, दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने देखा कि ये दानव तो बच्चों के साथ खेल रहा है। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, इतना सुंदर बाग उन लोगों ने पहले कभी देख ही नहीं था, क्योंकि दीवार बनी रहती थी, बाउंड्री बनी रहती थी, दीवार वो अंदर गार्डन दिखता नहीं था।
आज देखा इतना सुंदर गार्डन दे हैड एवर सीन, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय। दिन भर बच्चे खेलते थे और शाम को बच्चे गाना उसे गुड बाय करके घर वापस लौटते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। जेंट ने उन बच्चों से पूछा, अब ये रोजाना का काम हो गया था, बच्चे अपने स्कूल जाते थे, स्कूल जाने के बाद आकर के अपना होमवर्क करने के बाद तुरंत ही बगीचे में आते थे और खेलते थे रोजाना, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं आ रहा था। दानव ने पूछा वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, वो तुम्हारा छोटा दोस्त कहाँ गया। तो शी सेड, उसने कहा द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, अरे वही छोटा लड़का जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ाया था वो कहाँ है। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट, जेंट उसे सबसे अधिक प्यार करता था बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन, अभी बच्चों ने कहा हमें नहीं पता, वह तो चला गया था, कहाँ है हमें नहीं पता। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो सेड द जेंट। जेंट ने कहा अगर वो मिले तो उससे कहना कि वो जरूर आए कल। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो रहता कहाँ है, तो कहाँ से कहेंगे उसे जाकर। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और इससे पहले कभी उसे देखा भी नहीं, वो कहाँ से आया था, किस घर का है, इससे पहले कभी देखा नहीं। बच्चों ने कहा कहाँ गया ये भी नहीं पता। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, यह सुनकर के जेंट को बड़ा दुख हुआ कि अरे कहाँ गया वो। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वाज ओवर, रोजाना प्रत्येक दोपहर के बाद जब स्कूल बंद हो जाता था, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे एंड प्लेड विद द जेंट, और जेंट के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय, लेकिन वह छोटा लड़का होम द जेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, वह जिसको जेंट ने पेड़ पर चढ़ाया था उसे किस किया था वह कभी नहीं आया, वह लड़का दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। द जेंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, ये दानव अब सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु बन गया था। येट ही लॉन्ग फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन हमेशा वह छोटे बच्चे को याद करता रहता था कि वो छोटा बच्चा क्यों नहीं आ रहा। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, अक्सर उसके बारे में पूछता था वो कहाँ गया। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कैसे मिलूंगा मैं उससे, ही यूज्ड टू से, वह कहता था मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, कहाँ मिल सकता हूँ, कहाँ गया, सबसे पूछता रहता था उसके बारे में। ईयर्स वेंट बाय, इस तरीके से बरसों गुजर गए। एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीवेल, दानव अब बहुत बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया क्योंकि साल गुजर गए बहुत। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वह बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था क्योंकि बहुत वृद्ध हो गया था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वह विशाल आर्म चेयर पर बैठ जाता था, आराम कुर्सी पर बैठता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। पहले साथ में खेलता था लेकिन अब वृद्ध हो गया था, वह उन्हें देखता रहता था बैठे बैठे। एंड एडमायर्ड द हिज गार्डन, और अपने बाग की प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर ही सेड, उसने कहा मैंने बहुत से फूल देखे हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। बहुत से फूल उसने देखे लेकिन उन सबसे सुंदर फूल बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के आने से ही उसका बाग हरा भरा हुआ था। बच्चे सुंदर होते हैं बच्चे क्योंकि बच्चे पवित्र होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े शैतान हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह, अब यहाँ से कहानी बदलती है। एक सुबह ही
looked out of his window as he was dressing. एक सुबह जब वह कपड़े पहन रहा था तो खिड़की से बाहर देखा उसने, दानव ने. He did not hate the winter now. अब क्योंकि बसंत चला गया था, विंटर आ गया था, और जैसे कि हर भाग में होता है, हर जगह होता है कि मौसम बदलते रहते हैं, यहाँ पर भी बदलता था. अब उसे घृणा नहीं थी, अब उसे विंटर से घृणा नहीं थी, क्योंकि जानता था कि ये तो परिवर्तन है. तो सर्दी का मौसम था, खिड़की के पर खड़े होकर के पास में अपने जब कपड़े पहन रहा था तो उसने बाहर झांका, क्या देखा. और ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग स्लीप. और विंटर से घृणा इसलिए नहीं करता था क्योंकि जानता था कि अभी स्प्रिंग हो रहा है. एंड द फ्लावर्स वेयर रेस्टिंग, फूल आराम कर रहे थे. तो उसने देखा क्या, खिड़की से बाहर क्या देखा. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर. उसने देखा, उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, अपनी आंखों को रगड़ा, बार बार साफ किया कि कहीं सपना तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं दिखाई दे रहा. एंड लुक्ड आँखें फाड़ फाड़ करके देखा, सही देख रहा कि नहीं. क्या देखा, इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट. बड़ा अद्भुत दृश्य देखा. इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम. दूर वाले छोर पर एक कोने में एक पेड़ फूला था, सुंदर सफ़ेद फूल उसमें लगे हुए थे. इट्स ब्रांचेस वेयर ऑल गोल्डन. और इसकी पेड़ की शाखाएँ गोल्डन थी, सुनहरी थी. एंड सिल्वर फ्रूट हंग, चमकदार सफ़ेद फल उसमें लटक रहे थे. डाउन फ्रॉम देम, उनसे, यानी देखा क्या, विंटर का मौसम, विंटर में जबकि फूल खिलते नहीं, एक पेड़ फूल रहा है, सुंदर फल भी हैं उसमें. एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लेफ्ट. और उस पेड़ के नीचे वही छोटा लड़का जैसे उसने बहुत ऊपर चढ़ाया था वही खड़ा हुआ था. सुंदर दृश्य देखा उसने. डाउन स्टेयर्स रैन द जेंट. जेंट दौड़ता हुआ आया सीढ़ियों से उतरते हुए. इन ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी से, क्योंकि उसने अपने दोस्त को देखा, जैसे ही देखा वहाँ से दौड़ पड़ा, आया दौड़ता हुआ. एंड आउट इन टू द गार्डन, बगीचे में गया. ही हास्टेंड क्रॉस द ग्रास, घास को पार किया क्योंकि दूर था काफ़ी, दौड़ता गया. एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास पहुँचा. एंड वैन ही केम क्वाइट क्लोज, और जब उसके पास पहुँचा, हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर. जैसे ही बच्चे के पास पहुँचा तो उसका चेहरा लाल हो गया उसे देख करके, गुस्सा आ गई. एंड ही सैड, उसने कहा हु हैड डेयर टू बॉन्ड यू दी. तुम्हें घायल करने की साहस किसने किया, किसने तुमको घायल कर दिया. क्या हो गया था बच्चे को, ये घायल कैसे हो गया था. और ऑन द पाम ऑफ द लिटिल हैंड वेयर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स, बच्चे के हाथ में दो नाखूनों के निशान लगे हुए थे. एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट, और छोटे पैरों में भी दो खरोंचें लगी हुई थी, उनसे खून बह रहा. जैसे ही उसने देखा खून बहते हुए बच्चे के हाथ पैर में, वो गुस्से से लाल हो गया और पूछा, बताओ तुम्हें किसने मारा है, किसने घायल किया पहले ये बताओ. अब इसके बाद कल बताएंगे किसने घायल किया, और आप लोग इतना पढ़ लीजिए. थैंक यू.